सो क्या बनाया आपने, देखता हूँ एक बार मैं। सो इसमें आपने, इसमें आपने मैश टूल का यूज, मैश टूल का यूज किया आपने इसमें। सो अच्छा यूज किया आपने मैश टूल का, बट थोड़ा सा और डिटेल्स वर्क अगर आप इसमें करेंगे। अभी क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है होली के आपने कलर्स यूज किए हैं इसमें, लाइक इट्स लाइक अ होली कलर, बट ट्राई टू यूज लाइक कॉन्सेप्चुलाइज, बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके अंदर, कोई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ओवर देयर, राइट। If there is no concept, so like it's not look not like nice, right? Anything else? If there any another word muted? Sir, is there any another word you did? Like, hello. और कुछ किया आपने? No. That's it. ठीक है, सो एक बार मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए टूल्स आपके कौन कौन से हो गए, सो आई कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड, उसके आगे काम कंटिन्यू करेंगे। मैश टूल, स्मूथर टूल, जॉइंट टूल और गार्डन टूल। ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ, उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, इट इज विजिबल। ओके कूल, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जस्ट सेकंड, मैं इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ। मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया। ठीक है, मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन किया। अभी जैसे मैं ओपन करके मैं नॉर्मल अभी एक पेज को ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया और क्या क्या रह गया हमारा। इसमें बेसिकली हमारा जैसे मैं लेके चल रहा था लास्ट टाइम, तो कहाँ तक हमारे टूल्स हो गए, या आपके कोई टूल्स रिमेनिंग है इसमें? सॉरी, और टूल्स एवरीथिंग इज फिनिश्ड राइट? टूल्स में आपका सारा फिनिश हो गया, आप ये बोल रहे हैं? ठीक है, तो टूल्स के थोड़े हम आगे चलते हैं। जैसे आपका जो कोर्स है मेरे पास अपडेटेड, वो है आपका 2D एनिमेशन राइट। सो 2D एनिमेशन में किसी भी कैरेक्टर को डिजाइन कर लेंगे, तो मैं अगर यहाँ 2D एनिमेशन की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्स और वाई की, है ना? अगर मैं 2D एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक एक्स और एक वाई की बात करूंगा, है ना? ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है ना, राइट? तो जब हम 2D एनिमेशन में बात करते हैं और एक्स और वाई की बात करते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्टी क्या होती है समझना, कि हम जो भी डिजाइन करेंगे वो एक्स और वाई एक्सिस में ही होगा, जेड में नहीं होगा। सो हमें अपने 2D एनिमेशन को उस तरह से, या 2D शेप्स को उस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है कि हमारी जो शेप है वो एक्चुअली में इस टाइप से दिखाई दे, एक्चुअल पूरा दिखाई दे। अदरवाइज होगा क्या, मैं कोई भी शेप को थोड़ा छोटा या बड़ा बनाऊंगा, या फिर ऐसे अनवांटेड जगह पे उसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो होगा कि वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हो सकता है हमारी चीजें हाइडन हो जाए। तो हमेशा हम अपनी चीजों को, शेप को उस तरह से डेवलप करेंगे कि वो पूरा दिखाई दे। अभी बनाते कैसे हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा, क्योंकि आप यूज द रेफरेंस, अगर रेफरेंस नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं कैरेक्टर डिजाइन फॉर 2D एनिमेशन, या कैरेक्टर शेप फॉर 2D एनिमेशन। बहुत लेमन में आप यूज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत लेमन में यूज करो। जैसे आपने देखा मैंने इसमें यहाँ एक नॉर्मल छोटा सा वर्ड डाला और यहाँ कुछ ऐसे ऐसे टाइप के वर्ड आ गए, तो आपने देखा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है फेस एक्सप्रेशन। सो आप जितने फेस के एक्सप्रेशन को अलग अलग डेवलप करोगे, वो उतने उतने एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकता है। मीन्स अगर मेरे को 10 टाइप के फेस एक्सप्रेशन बनाने, तो 10 के 10 मेरे को डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कंप्यूटर आपको जनरेट करके देगा, राइट? मैं, मेरे को अगर किसी की कोई भी शेप बनानी है, तो वो शेप मेरे को डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। सो बेसिकली इसका हैंड मूवमेंट्स, मेरे को उसकी हर हैंड मूवमेंट्स भी चाहिए होगी। अगर मेरे को उसमें मूवमेंट करनी है, तो वो सारे मूवमेंट को मेरे को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ करनी पड़ती है। सो मैं उसको करूँगा, तभी वो मैं उसको ईजिली आगे मूव कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को किसी भी कैरेक्टर के, मेरे को 10 एक्सप्रेशन दिखाना है, यू वांट टू शो 10 मोर एक्सप्रेशन, सो यू हैव टू क्रिएट द एक्सप्रेशन, अदरवाइज यू डोंट शो द एक्सप्रेशन,
राइट जैसे ही है। अब इस कैरेक्टर को आप एनालाइज कीजिए, इट्स अ 3D कैरेक्टर, इट्स नॉट 2D कैरेक्टर, बट यू जस्ट नीड टू एनालाइज इट कि लाइक ये क्या है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ इस एनिमेशन की, सो इट इज अ फ्रंट प्रोफाइल, ये क्या है हमारी फ्रंट है, इज अ थर्ड व्यू, ये थर्ड प्रोफाइल है, सो और ये हमारी साइड प्रोफाइल है और ये हमारी बैक प्रोफाइल है, राइट। सो इन 2D एनिमेशन वी हैव टू एनालाइज कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। अगर मैंने 2D के अंदर कोई भी चीज को बनाया है, तो अगर आप अगर ये वाली एक प्रोफाइल देखेंगे, ये एक इट्स अ फ्रंट प्रोफाइल है और एक साइड प्रोफाइल है, राइट। सो जब भी मैं कोई फ्रंट और साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ और अब मुझे बोल दिया जाए आप थर्ड बना दो, तो ये मेरे को सेपरेटली दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं इसको रोटेट करके दिखा सकता हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि हम 2D के अंदर क्या बना रहे हैं और 3D से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उसको 3D की तरह रोटेट नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो आज मेरा जो टास्क रहेगा वो मैं आपको कैरेक्टर डिजाइन करना बताऊंगा, कैरेक्टर को ड्रॉ करना बताऊंगा। कैरेक्टर को ड्रॉ करने से मीनिंग मरा है, मैं सपोज यही वाला कैरेक्टर को मैं पिक कर लेता हूँ और इसी वाले कैरेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे और इस पर एनिमेशन जो करेंगे हम वो करेंगे फ्लैश में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कैरेक्टर डिजाइनिंग का टॉपिक, राइट। तो मैं नॉर्मली कॉपी करके लाया, यहाँ पे लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मेरा जो टारगेट है इसके अंदर, देखिए ये ऑलरेडी ऑल द एलिमेंट्स ऑलरेडी इज क्रिएटेड, बट मेरा जो टारगेट है उसको समझना है। मैं इसको अभी रीवेक्टराइज करूंगा, मीन्स दोबारा इसको डिजाइन करूंगा, दोबारा इसको ट्रेस करूंगा। उसका मीनिंग, उसका रीजन ये होता है, मीन्स अगर जैसे मैंने इसको कोई भी चीज को ट्रेस किया, अब ट्रेस करने के बाद होता क्या है, जब मैं इसको एनिमेट करूंगा, ये एक इमेज है, ये क्या है, एक इमेज जर्नल इमेज है, JPG है, लेकिन JPG पे मैं कोई एनिमेशन नहीं कर सकता। एनिमेशन करने के लिए मेरे को इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये तो इमेज है, ये तो जेपैक है, ये तो ब्रेक होगी नहीं। तो आई हैव टू क्रिएट ओन इमेज, आई हैव टू क्रिएट ओन वेक्टर आर्ट। तो ओन वेक्टर आर्ट को करने के लिए मैं इस पूरे उसको वेक्टराइज में कन्वर्ट करूंगा। अभी तक जो हम करते आए थे वो हम कोई भी शेप कहीं भी बना लेते थे, राइट। हम अभी तक कोई भी शेप कहीं भी ड्रॉ कर लेते थे, बट आई हैव टू क्रिएट, लाइक इनिशियली मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा बोन वाइज। बोन समझते हैं, व्हाट इज बोन? What is bone? Do you have any idea about bone? Bones. What is bone? Bone. Yes, bone. What is bone? हड्डियाँ. Right, हड्डियाँ तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन होती क्या है, काम क्या करती है? मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। अभी जो बोन होती है या हड्डियाँ होती हैं, ये हमें एक्चुअली में बताती हैं कि हमें कहाँ से बेंड करना है, कहाँ से बेंड करना है। मीन्स अगर मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से बेंड करना है, सपोज ये हैंड है, इस हैंड को अगर मैं नहीं बताऊंगा कि इसको यहाँ से बेंड करना है और यहाँ से भी बेंड करना है, सो ये नहीं मुड़ेगा। बोन का एक्चुअल वर्क तो यही हुआ ना कि हड्डियाँ बताता है वो हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो जब तक मैं इस पूरे कैरेक्टर में अपनी बोन्स का स्ट्रक्चर रेडी नहीं करूँगा, ये बेंड नहीं हो सकता। इसको बेंड करने के लिए आई हैव टू क्रिएट अ बोन। सो वो बोन्स ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग से कोई इसमें कुछ डालना पड़ेगा तब इसे बोन हड्डियाँ जनरेट होंगी। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। आई हैव टू डिवाइड, ठीक है, आई हैव टू डिवाइड लास्ट, राइट, आई हैव टू डिवाइड द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द बोन्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू जस्ट नीड टू एनालाइज वेर, कहाँ कहाँ मैं इसको बोन बना सकता हूँ। अगर मैं इस कैरेक्टर को मैं डिवाइड करूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो मैं इसको कहाँ कहाँ बोन बना सकता हूँ। हेलो सर, जो पूरी बाजू है वो टू टाइप्स में बनेगी, वो शोल्डर तक बनेगा, शोल्डर से डिवाइड हो जाएगा। एक काम करता हूँ, नेक से डिवाइड होगा। एक काम करते हैं, मैं ये कैरेक्टर आपको भेज रहा हूँ, इस पर आप बोन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, ठीक है। मैं ये सेम इमेज आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप मुझे इस पर बोन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, खाली पेंट वैसी रफ रफली। स्क्रीन शेयर करना आपको, शो ऑन योर स्क्रीन।
यस विजिबल आप ना पहले उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपने डाउनलोड्स पे जाके फिर इंपोर्ट कराओ। इस पे क्लिक करो पहले वरीमा। गरिमा शेप नहीं बनानी है, बोन बनानी है। मेरे को खाली बोन बन बता दो। अरे हाँ ऐसे तो बनेगी। डॉट डॉट लगा दो, जहां जहां बोन बनेगी वहां डॉट डॉट लगाओ, जहां जहां बोन बनेगी। रियल्स के अकॉर्डिंग बनाना। Thank you.
गरिमा आप फिर से शेप बना लेंगे मेरे को, मैं कह रहा हूँ बोन बनाओ, बोन नहीं देखी आपने, गूगल पे जाओ बोन देखो बोन कैसी होती है, खाली गोले गोले भी लगा दो तो भी चलेगा, मेरे को खाली बोन स्ट्रक्चर देखना है कहाँ का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। मतलब यहाँ पे बनेगी जहाँ तक बनेगा वो सर्कल लग दो, जहाँ तक बनेगा वहाँ सर्कल लग दो, सर्कल हाँ Yes. Okay. कौन होती है? ठीक है, इसके हाथों में बोल नहीं बनेगी अगर हमें को हैंड की मूवमेंट देनी है तो। सर हैंड का छोटा सा है ना वो दिख रही ना, मतलब सही से वो तो अलग अलग फिंगर की बनेगी सारी। हाँ अगर मैं सबको फिंगर्स को मूव करता हूँ तब, अदरवाइज क्या बनेगा फल हैंड गरिमा एक मिनट दे रहे मेरे को। इसमें एक पर्स नाम की चीज रखी होगी उसको निकालो, पर्स में छोड़ी मेरे, तो बहुत सारे पैसे रखे थे कम में। अरे मैं बता दूं तो टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन बिजी रहता हूँ। Like, I'm going to do that.
अब कुछ जानना नहीं हेलो हेलो या गरिमा एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था सॉरी अब मैं फ्री हो गया. सो एक्चुअली जैसे मैंने आपसे बोन बनवाया आपने बोन बनाया उसमें राइट सो लेकिन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस आपके साथ. अगर मैं मेरी स्क्रीन दिख रहा है आपको जैसे मेरा ये ह्यूमन बॉडी है मैं ह्यूमन बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैं बात करता हूँ एक छोटी सी स्लेट की ठीक है एक ये डंडा है. अब एक डंडे को मुझे अगर बेंड करना है या एक डंडे को बीच में से फोल्ड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा राइट जब मैं एक पोल को या किसी भी चीज को टू पार्ट में डिवाइड करूंगा तभी वो बेंड हो पाएगा. लाइक मैं इसको छोटा कर देता हूँ या इसको ब्रेक कर लेता हूँ वो आपकी चॉइस आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने इसको छोटा किया और इसी की कॉपी ले ली और ये बेंड हो गया जैसे राइट इसी को बोलते हैं बेंडिंग करना. इसको हम बेंड करना बोलते हैं. एक मिनट देना मेरे को ठीक है. मैंने यहाँ से इसको करा और आफ्टर दैट अब मैं इसको कभी भी बेंड करना है तो मैं इसको रोटेट करके बेंड कर सकता हूँ है ना. मैंने इसको रोटेट किया अभी रोटेशन कहाँ से हो रहा है सेंटर से हो रहा है. इसका पिवट पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए इधर होना चाहिए. तो पिवट पॉइंट जैसे शिफ्ट करते हैं हेलो पिवट पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं बताइए सॉरी आपकी आवाज कट रही है बहुत. पता नहीं आपका सारे टूल्स फिनिश हो गए और आपको पिवट पॉइंट शिफ्ट करना नहीं आया. पिवट पॉइंट नहीं शिफ्ट करना था. पिवट पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं पिवट पॉइंट होता क्या पहले चलो वो बताओ. पता नहीं सर पिवट पॉइंट क्यों नहीं बताया आपने. मैंने नहीं बताया लेकिन आपने पूछा भी नहीं. एंकर पॉइंट क्या होता. अच्छा एंकर तो बता दिए सर वहां से अपनी मतलब जो शेप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंकर पॉइंट पूछ रहा हूं मैं आपसे. एंकर ये जो है देखो ये जो टूल था ये टूल क्या काम करता है डायरेक्ट सेलेक्शन का. मतलब ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना ये जो पाथ है अगर आप इसको डायरेक्ट ये एंकर पॉइंट है. क्या है हाँ तो ये एंकर पॉइंट है. अब मेरी बात हो रही है पिवट पॉइंट की. नहीं आता रहा. फोटोशॉप करा है आपने फोटोशॉप करा है नहीं किया. तो अगर एक सिंपल सी मैं बात करूं यहाँ पे फोटोशॉप की या फिर किसी मैं जनरल लाइफ की बात करता हूँ अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल बात भी करता हूँ तो वहां पे मेरी बात होती है कि मेरे को अगर कोई भी चीज मूव करनी है या रोटेट करनी है या फिर कोई भी चीज पैनिंग करनी है तो सिंपल सी चीज है. अगर मैं इसको अभी रोटेट करता हूँ मैंने अगर यहाँ इसको रखा हुआ है और मैं बोलता हूँ ये इसका ये इस वाली इसका बेंड होना चाहिए यहाँ से तो मैं इसको अब जब रोटेट करूंगा ठीक है नॉर्मल टूल या जो भी हमारा रोटेट टूल किसी भी हेल्प से तो मैं इसको रोटेट करूंगा. कहाँ से रोटेट हो रहा है यहाँ से क्योंकि तो इसका जो पिवट पॉइंट है वो कहाँ है यहाँ सेंटर में और इस पिवट पॉइंट को चेंज करने के लिए आपको इसको मूव करना पड़ेगा.
अब ये मूव कैसे होता है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, किसी भी लेयर पे आप क्लिक करो, मैंने सपोज मैंने ये लेयर पे क्लिक किया, अब इस लेयर पे क्लिक करने पर चेंज नहीं होता, आपको फ्री हैंड टूल पे जाना पड़ेगा, जब आप फ्री हैंड टूल पे जाओगे ऑटोमेटिकली ऑप्शन हाईलाइट होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ मूव कर देना है, ठीक है। मूव करते ही आपका पिनपॉइंट शिफ्ट हो गया, आप उसका रोटेट करोगे तो वो वहीं से मूव होगा। तो इस एरिया को बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं बोन, इन बोन, या आप बोल सकते हो बेंडिंग एरिया। सो ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे बेंडिंग एरिया होते हैं, अब डिपेंड करता है आप किस बेंडिंग एरिया पे फोकस कर रहे हो, राइट। तो ये हमारा सारा डेटा है। मैं अगर इस कैरेक्टर को बात करता हूँ, अभी बात यहाँ मैं बनाऊंगा राइट साइड का कैरेक्टर, ठीक है, यानी सॉरी ये प्रोफाइल कैरेक्टर, ठीक है, फ्रंट नहीं बनाऊंगा अभी। इजी होता है मेरे लिए थोड़ा सा साइड प्रोफाइल वॉक कराना इंपैक्ट टू द फ्रंट प्रोफाइल, मतलब मैं फ्रंट प्रोफाइल की जगह अगर साइड प्रोफाइल मूव कराता हूँ थोड़ा अच्छा सा मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई मकसद ये नहीं है फ्रंट वॉकिंग कराना या कुछ भी करना, क्योंकि वॉकिंग का काम हम करेंगे एनिमेट सीसी के अंदर, यहाँ पे हमारा जो काम रहेगा वो हमारा अलग लेवल पे रहेगा। यहाँ पे हम खाली कैरेक्टर को डिजाइन करके फॉरवर्ड करेंगे एनिमेट सीसी के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं कैरेक्टर्स को। सो मैं एक रफली सारी चीजों को डिजाइन करूंगा, क्या करूंगा रफली। सो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल टूल ले रहा हूँ, तो मेरा अगर मेरे को फेस में एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं फेस का हर सारा पार्ट अलग अलग बनाऊंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसका ये वाला पार्ट बंद कर रहा हूँ, बट स्ट्रोक में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे तो आइडिया लगता रहेगा। एक शेप मेरी हो गई करेक्ट, दूसरी शेप मेरी रहेगी नेक, मेरा नेक हमेशा अलग बनता है, ठीक है, नेक मेरा अलग बनेगा। जो भी चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखना कि मैं जो भी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करने में मेरा जो ऊपर वाला पॉली है, मीन्स मेरी जो नेक है वो मेरे हेड के साथ ओवरलैप होनी चाहिए, मीन्स थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं कभी भी हेड को अप करूँगा, If you are like moving head up, so इसमें यहाँ space दिखाई देगा, अगर मेरा proper ये इतना ही बना होता, you can see this, अगर मेरा ये पटक बना होता, मेरा ये यहीं तक बना होता, यहीं तक, और जब मैं head को up करता तो क्या होता, वो यहाँ space दिखा देता, और आप चाहते हो कि space नहीं दिखना तो आपको पूरा वो head ऊपर थोड़ा extra draw करना पड़ेगा। इसलिए इसमें सारी चीज़ें 2D animation के अंदर extra draw होती हैं, ठीक है। तो मेरी हेड बन गई, ऐसी आपकी शेप बनेगी। अभी मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं रफ स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बॉडी का, शोल्डर और ये वाला नेक वाला ये बॉडी, इसको बोलते हैं टोर्सो, क्या बोलते हैं टोर्सो। ये जो हमारा बॉडी वाला जो एरिया होता है, मतलब गर्दन से नीचे का जो पार्ट होता है वाला, इसको पूरे एरिया को बोलते हैं टोर्सो, ठीक है। सो टोर्सो मैं लूंगा, जो ये वाला पार्ट में टोर्सो मैं एक साथ कवर कर सकता हूँ, ये लेके यहाँ तक, ठीक है। सो टोर्सो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, टोर्सो से, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा पेल्विस। सो पेल्विस क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ये डाउन बॉडी, ठीक है, डाउन बॉडी को हम पेल्विस बोलते हैं, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, ये होता है पेल्विस एरिया, ठीक है। इस अब ये एरिया अलग क्यों बनता है, आप कभी भी देखोगे ये एरिया आपका हमेशा अलग डेवलप होता है, मीन्स क्योंकि जब हम कभी भी बॉडी को मूव करते हैं या लेफ्ट राइट लेके जाते हैं या फिर अप डाउन करते हैं, तो ये एरिया हमारा अलग मूव करता है, इट्स अ ऑब्जर्वेशन पार्ट। आपको जो भी जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करो या कुछ करो तो हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ना एनिमेशन कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग करते हुए मेरे को आई हैव टू केयरफुल कि लाइक कि वो जब मैं उसको एनिमेट करूँगा तो ये क्या अलग बनेगा या सेपरेट ये बनेगा या एक साथ बनेगा, तो ये मेरे को पहले से ही ध्यान रखना है, राइट। सो वी हैव टू क्रिएट इट सेपरेटली। नेक्स्ट जो बनेगा मेरा हैंड बनेंगे, हैंड मेरा लगेगा यहाँ तक, हाफ हैंड बनाऊंगा पहले मैं, उसके बाद फुल हैंड बनाऊंगा, ठीक है। ओवर बना के चलते हैं हम सारी चीजों को। अभी आपको उंगली अगर आप अलग मूव करनी है, अलग मूवमेंट देनी है, तो आपको उंगलियों को अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा लेग्स बनते हैं, लेग मेरी ये भी तीन शेप बनेंगे, दिस अगेन दिस, ठीक है, और फिर मेरे शूज, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं हम शेप एनिमेशन, मतलब ये हमें रखना जरूरी होता है और थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके रखते हैं। सम टाइम कुछ लोग ओवरलैपिंग ना करके इसके अंदर, जैसे मेरा सपोज एक जॉइंट बन रहा है, मैं एक शेप लेता हूँ, सपोज मैं एक शेप बना रहा हूँ, सपोज ये वाली शेप है राइट वाली, दिख रही है आपको राइट हैंड साइड पर जो शेप दिख रही है,
मैं सपोज इसमें कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, एक प्रॉपर शेप ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, मैं कोई इसमें कंजूसी नहीं करूंगा शेड के अंदर, तो मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने शेप ड्रॉ करी, कलर इफ यू वांट टू लाइक फिल द कलर यू जस्ट फिल द कलर, ऐसे ही मैं चीजें बेस नीचे का भी शेप करूंगा, ठीक है, मैंने नीचे का ही बेस शेप क्रिएट किया, ठीक है, आपको लेयर बंद करना है या हाइड करना है कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लाइक कोई विजिबिलिटी नहीं है, सो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, ये मेरा शेप बन गया, शेप क्रिएटेड मेरा, अभी इसमें शेप में देखेंगे और ये वाली शेप में देखेंगे, दोनों शेप हमारी बन गई, दोनों ओवरलैप्ड है अगर देखोगे आप, लेकिन दोनों जो ओवरलैप है, अगर मैं दोनों शेप को उठा के देखूं, अगर मैं दोनों शेप को बाहर निकाल के लाऊं, ठीक है, और दोनों शेप को सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल करता हूँ, मैं इसमें दोनों में सेलेक्ट करके इसमें भी शेप कर रहा हूँ, इसमें भी कलर फिल कर रहा हूँ, और अब आफ्टर दैट यू कैन सी द डिफरेंस, मैं थोड़ा सा नीचे वाले में लाइट कलर फिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें लाइट कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा इसमें लाइट कलर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है, अभी आप देखना मैंने दोनों शेप बनाई, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अभी आप देख रहे हो इट्स देर इज नो ब्लेंडिंग, अगर मैं इस वाली शेप को पकड़े और इस वाली शेप को, दोनों में ब्लेंडिंग नहीं है, क्या नहीं है, ब्लेंडिंग, बिकॉज आपका ये शेप ऐसे निकल गया और ये शेप ऐसे निकल गया, और सेम ऐसे निकल गया और ये शेप ऐसे निकल गया, तो ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो ब्लेंडिंग आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्लेंडिंग नहीं लोगे तो वहाँ जर्क बना हुआ आएगा, कट नजर आएगा, ठीक है, तो कट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इस टाइप का मेरे को जॉइंट्स बनाना पड़ता है, अगर ये जॉइंट्स नहीं बनाता हूँ मैं तो वहाँ आपको कॉर्नर शेप दिखाई देगी, तो समटाइम्स कुछ लोग, मतलब अगर मैं बात करूँ जैसे हम इंडियंस हैं या हम कोई भी हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ करने की, तो बहुत लोग जुगाड़ पानी में करते क्या है, मैं एक शेप बनाता हूँ एक और शेप बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक बात करता हूँ यहाँ थोड़ा इसमें ट्रिक करने की, जुगाड़ बोलो या ट्रिक बोलो आपकी चॉइस है, मैंने ट्रिक करने के लिए एक शेप और ले ली यहाँ पे, ठीक है, मैं दोनों का भी ब्लैंक कर दे रहा हूँ, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को यहाँ से मैं उनको हटा दे रहा हूँ, कलर फिल कर दे रहा हूँ, स्ट्रोक डाल दे रहा हूँ दोनों में, ठीक है, अभी दूसरी जो चीज़ें होती हैं या दूसरे लोग जो करते हैं उसको मैं करके दिखाता हूँ कि लाइक जैसे अगर मैंने भी कभी एनिमेशन किया था तो मैं उस एनिमेशन में काम कैसे करता हूँ, तो मैं इन दोनों को ऐसे लेता हूँ, ठीक है, सबके मैंने बताया अपने अपने फंडे होते हैं, किसी का कोई फंडा होता है, किसी का कोई फंडा होता है, दोनों बस ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों शेप को वो प्रॉपर लेते हैं, शेप लेने के बाद यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं जिससे जब भी मैं उसको मूव करूँ तो वो सर्कल के अकॉर्डिंग मूव करे, मैं सर्कल बनाना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बोन है वो राउंडेड शेप में वर्क करती है, तो राउंड लेना सो यहाँ पे हम राउंड एक सर्कल बना देते हैं, मैंने एक राउंड सर्कल लिया था वो थोड़ा हाइड हो गया, उसका रीजन यही है क्योंकि वो उसमें कलर फिल नहीं करा था तो वो विजिबिलिटी नहीं आ रही, मैं दोबारा ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से जाऊँगा सर्कल ले लूंगा, तो अभी मेरा राउंड सर्कल आ गया, अब इसके अंदर इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, मैं थोड़ा यूज़ करना बताते हैं सर्कल का, जैसे सपोज मैंने सर्कल को यहाँ रखा, मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ पहले, ठीक है, ठीक है, मैंने सर्कल को यहाँ रखा,
इस सर्कल की वैल्यू कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो। अब इन तीनों के मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग कलर कर देता हूँ या ऐसे ही रहने देता हूँ, मेरे को विजिबिलिटी ऐसे भी आ रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो पिवट पॉइंट है इसको चेंज करता हूँ, इसका पिवट पॉइंट, और इसका पिवट पॉइंट अब कहाँ जाएगा, इस सर्कल के बीच में जहाँ से वो रोटेट करेगा। ऐसे ही जैसे अब मैं कोई भी चीज रोटेट करूंगा, अब देखो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, कहीं भी रोटेट करूँ, अब ये पीछे से निकल के दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मैं पीछे से इसका जो बैक वाला एरिया है ये वाला, इसको कम करूंगा, ये वाला एरिया को मैं कम करूंगा। अब कितना कम करना है कितना नहीं करना वो अलग चीज होती है, वो हम अलग एक हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन एक कैरेक्टर को जो डिजाइन करना होता है वो कैसे करते हैं। अगर हमारा सर्कल रखा हुआ है, अगर मेरा सर्कल प्रॉपर रखा हुआ है तो हमें सिर्फ शेप को ऐसे ब्लेंड करना है। देखो अगर सर्कल नहीं होता तो शेप ब्लेंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती, कट आते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, तो हो सकता है वो थोड़ा सा इधर भी मैनेज करे और इधर भी करे, हमें पता चल जाएगा वो, क्योंकि कोई भी चीज रोटेट होती है गोल रोटेट होती है, राइट। ऐसा तो नहीं है वो फ्लैट रोटेट होगी, गोल रोटेट होगी हमेशा, ठीक है। अब मैं अगेन इसको पॉइंट आउट करूंगा और इसको आगे की तरफ रोटेट करूंगा, सीरियस। तो ऐसे हम इसको सर्कल के वाइज करते हैं। तो अब डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे काम करने वाले हो और कैसे उसको रिप्रेजेंट करने वाले हो। आपको समझ में आया, अभी देखो मैंने इसको ऐसे खड़ा हुआ है नॉर्मल टांग, उसके लिए तो एक अलग ही मूवमेंट आ गया उसमें, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, ऐसे हमें ब्रेक करके ड्रॉ करना है। अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ऐसे ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारा सर्कल होता है, यहाँ पे भी ज्वाइंट। आप सर्कल ले सकते हो, मैनुअली उसको फिल भी कर सकते हो, वो आपकी टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, इट्स टोटल आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरे को आईज का एनिमेशन करना है, तो आपको आईज ऑब्वियसली सेपरेट बनानी पड़ेगी, लेकिन वो आईज किसके अंदर बनेगी, आपके हेड के अंदर बनेगी, क्योंकि जब मैं हेड को मूव करूंगा तो आईज आपके साथ मूव करेगी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हेड मेरा अलग मूव कर रहा है, आईज अलग मूव कर रही है। तो जब भी मैं काम करूँ, मैंने आपको हमेशा पहले भी बोला है, हर चीज जैसे सपोज मैंने लेयर बाय लेयर वर्क किया हुआ है, राइट, तो मेरा जो टारगेट रहेगा, जैसे मैंने लेयर सेट करी तो मेरी हेड की लेयर सारे हेड के अंदर होनी चाहिए, मेरे नेक की लेयर नेक के अंदर होनी चाहिए, मेरे टोर्सो की लेयर टोर्सो में होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पैल्विस में पैल्विस की लेयर होनी चाहिए, लेग्स में लेग्स की लेयर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जनरेट होता है, हमारा लेफ्ट और राइट दो पोर्शन होते हैं, स्ट्रेट बॉडी हमारी अलग होती है और लेफ्ट राइट हमारा अलग होता है। मींस लाइक अगर मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है तो हमारा बॉडी जो बनेगी, लेफ्ट हैंड अलग जनरेट होगा, राइट हैंड अलग जनरेट होगा, लेफ्ट लेग अलग जनरेट होगा, राइट लेग अलग जनरेट होगा, राइट। अगर मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर हम वर्कआउट करते हैं उनके एक्सप्रेशंस के ऊपर। मींस अगर मेरा यहाँ फेस दिखाई दे रहा है और उस फेस पे मुझे एक्सप्रेशन पे वर्क करना है, मींस मेरे यहाँ पे अभी सिंगल एक्सप्रेशन है, दिख रहा है मुझे, इस पे एक्सप्रेशन पे वर्कआउट नहीं किया, मेरा सिंगल एक्सप्रेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप 2D एनिमेशन में कोई स्केचिंग कर रहे हैं तो स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप स्केचिंग करके ला रहे हैं और उसकी फेस के मल्टीपल फेसेस बना रहे हैं, तभी आप उसमें वर्कआउट कर सकते हो। अगर मैंने कोई एक स्केच बनाया, मैं कह रहा हूँ मैंने ये बनाया, ठीक है, ये दिस इज स्माइली फेस, राइट, स्माइली फेस। इफ यू वॉन्ट टू लाइक मोर एंगर, लाइक एक्सट्रीम लेवल एंगर, हैप्पी, मोर हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पी, नॉसियस, मतलब लाइक एज पर टोटली इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो यू हैव टू क्रिएट दीज एक्सप्रेशंस, राइट, वो एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट लाइक जज इट। ऐसा नहीं है कि वो अपना आप जनरेट हो जाएंगे, आपने एक बना दिया बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सारे आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? ये बन जाएगा? हाँ सर। हेलो, यस सर। ये वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया, आपको जो कैरेक्टर डिजाइन वाला, क्योंकि ये कैरेक्टर एनिमेशन के लिए कैरेक्टर डिजाइन करना इंपॉर्टेंट है। अब चॉइस आपकी है कि आप रियल कैरेक्टर या फिर कोई आपका इल्यूड कैरेक्टर, इल्यूड कैरेक्टर मीन्स आपने सोच रखा है वो कैरेक्टर, इल्यूजन, सो ठीक है, वो कैरेक्टर आप बनाना चाहते हो या ऑलरेडी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर मैं नेट से कोई कैरेक्टर डाउनलोड करता हूँ तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो एनिमेशन के टाइम पे आपका हेल्प करेगा। अभी आपको डिजाइनिंग के टाइम पे आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ये भी आप डाउनलोड करके ले आओ, ठीक है। सो यू हैव टू लाइक गो फॉर दी रेफरेंसेस ऑन इंटरनेट, आई ऑलरेडी शो यू द रेफरेंसेस, तो आपको ये सब रेफरेंसेस यू हैव टू गो थ्रू इट,
एंड वन मोर थिंग, लाइक जो भी आप बना रहे हो, लाइक जैसे मैंने मैंने फ्रंट बॉडी बनाई या लेफ्ट बॉडी बनाई, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जैसे मैं आपको अगर मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, मैंने आपको एक कैरेक्टर दिखाया था लाइक दिस, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं फ्रंट बॉडी बना रहा हूँ तो मुझे फ्रंट की सारी चीज़ें लेके चलनी है। मतलब आप अल्टीमेटली अगर एक मूवी ड्रॉ कर रहे हो या मूवी प्लान कर रहे हो तो मूवी के मेरे को हर एंगल, हर पोर्शन, हर ईच एंड वेरी डिटेल्स मुझे हर मोमेंट चाहिए। एक्सप्रेशन हो, मूवमेंट हो, हैंड एक्सप्रेशन हो, भागने का हो, स्लो हो, रनिंग हो, बैठना हो, सिटिंग हो, अप, हर तरह का मुझे उसका एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं वो ड्रॉ नहीं करूँगा तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सारी चीज़ मुझे चाहिए। अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा, अगर मैंने सपोज फ्रंट बॉडी बना ली और आप मुझे बोलते हो साइड बॉडी को रिप्रेजेंट करो, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है भाई, इसको बोलना ही लेते हैं। चाइनीज ये बोलते ना ले जाएगा कोई, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने सपोज आपको बोला कि आप फ्रंट बॉडी ड्रॉ करके लाओ या मैंने आपको बोला साइड बॉडी ड्रॉ करके लाओ, सो साइड बॉडी अगर आप मेरे के लिए ड्रॉ करके ला रहे हो तो साइड में मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे लिए ऐसी बॉडी ड्रॉ करके लाओ। यू जस्ट नीड टू गो लाइक दिस बॉडी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस लाइक, बिकॉज द रीजन इज कि अगर मैं साइड बॉडी पर जाता हूँ तो इसमें मेरे को डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहे, राइट। आई कैन नॉट फाइंड द डिटेल्स, आई कैन विजुअल डिटेल्स, आई कैन नॉट शो द फेस, लाइक उसमें फेस भी मेरे को विजिबल नहीं है। अगर वो कुछ बोलेगा तो मेरे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इस वाले व्यू पे जाता हूँ तो आई कैन शो द साइड फेस, आई कैन जस्ट लाइक टेल द एनीथिंग, लाइक टेल द वोकल पार्ट, वोकल पार्ट, सो वो भी मेरे को विजिबल होगा। लाइक अगर मैं सब में देखूँ, सारे फीचर्स में देखूँ, तो ये पार्ट मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, इसमें सारी डिटेल्स मेरे को दिख रही है इन तीनों में से, ठीक है। फ्रंट एक नॉर्मल कैजुअल थिंग है, साइड इसमें आधी डिटेल मिस हो रही है, बट साइड प्लस थर्ड, इसको बोलते हैं थर्ड व्यू, ठीक है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिए एकदम से कल थर्ड व्यू बना के ले आओ, आपका जो टारगेट रहेगा वो पहले रहेगा फ्रंट और उसके बाद रहेगा आपका लेफ्ट और आफ्टर दैट रहेगा थर्ड। हम जो काम करेंगे वो एक ही कैरेक्टर पे करेंगे, तो आपका काम यही रहेगा कि आपको उस एक कैरेक्टर को प्लान करना है, वो क्या कैरेक्टर होगा, उसके स्केचेस चाहिए, उसके फेस एक्सप्रेशन चाहिए, उसकी सारी बॉडी पार्ट चाहिए, कुछ भी हो, इट्स नॉट मैटर, कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें प्लान करनी पड़ेंगी और उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इन बॉडी पार्ट्स के जरिए आपको निकालने हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टर डिजाइन के बारे में, तो कैरेक्टर डिजाइन जो होता है वो बेसिकली हम स्केच के थ्रू करते हैं। जैसे अगर मैं, ये तो हमारा 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है या 2D सॉफ्टवेयर है, टू डी डिजाइन सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर तो 2D सॉफ्टवेयर है। हम एनिमेशन की बात करें तो हम उसके लिए एनिमेशन फ्लैश या फिर एनिमेट सीसी वगैरह जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उनको यूज करते हैं, बट ये दिस इज अ फॉर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग के लिए जो जो हमारे एलिमेंट्स यूज होने हैं वो हमें थोड़ा फोकस करके चलना है। मैंने अगर हैंड की मूवमेंट में खाली तीन ही बोन लगा के चल रहा हूँ तो वो तीन लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ तीन ही बोन रहेगी। आप उसमें एडिशनल बोन ऐड करोगे तो आपके सारे जगह पे वो एडिशनल बोन ऐड हो जाएगी। हाँ ये बोल सकता हूँ कि पीछे वाले स्ट्रक्चर पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए वो हमेशा उतनी ही बोन रहेंगी। तो हमेशा ये याद रखना जितनी बोन बनाओ वो उतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि आपको जरूरत ना पड़े कि दोबारा आपको बोन ऐड करनी है या रिमूव करनी है, ठीक है। एक बार बोलो डाउट होता है तो फिर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका जो मेरे पास कोर्स एनरोल्ड है वो है आपका एनिमेट सीसी और आपका इलस्ट्रेटर, राइट। ठीक है, सो इन चीजों को करना है मैं। सर कहाँ पे हैं? क्या 6 मिनट लगेंगे? तो 6:30 तो लेट आओगे तो मैं काम करूंगा, पैसे किसको दे दूंगा, आप पिक कर लेना मुझे। अगर आप 100% है आपका आ रही हो
आप कल आ जाओ मेरे काम में। हाँ हाँ चांदी चौक पे तो मतलब दुकान पे मैं देख के बताता हूँ क्योंकि कल ना शूट है तो कल कोई अवेलेबल नहीं होगा। देख लीजिए आप मुझे बता दीजिए जैसे भी रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप लेट होगा तो लेट मुझे बता दीजिए फिर मैंने एक काम करूंगा कैश घर पर रखे आऊंगा क्योंकि फिर मैं उसको ट्रैवल करूंगा ना लेके तो खर्च हो जाएगा। नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ, बाकी टीम जा रही है। टीम का पता नहीं मेरे को, मैंने पूछा भी नहीं, बात नहीं मिली। मुझे अपडेट कर देना एक बार। ठीक है तो हमारा ये चल रहा था, हमने जैसे कैरेक्टर डिजाइन अपना पूरा कर लिया तो हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट, जैसे हमने मोस्ट ऑफ द टूल्स को हमने कवर कर लिया है, सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है, लेकिन जैसे आप एनिमेट सीसी के लिए बस मेरे पास रोल दो तो मेरा टारगेट खाली ये नहीं रहेगा आपको मेरे को एनिमेट सीसी सिखाना है, मेरा टारगेट रहेगा वेक्टर आर्ट के थ्रू हम क्या क्या चीज को एलिमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है तो जो मेरा आपके लिए होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, तो आपको एक तो कैरेक्टर डिजाइन करके लाना है। ठीक है हेलो, हाँ जी हेलो, बस मैं थोड़ी देर फ्री हो रहा हूँ, कर रहा हूँ भाई। मैं भाई आज कर दूंगा, परेशान मत हो, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, मेरी क्लासेस होती है मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है तो एक तो आपको कैरेक्टर डिजाइन करना है जिसमें आपको सेपरेट सेपरेट लेयर बनाना है, मतलब जैसे हेड है तो वो सेपरेट लेयर पे, ठीक है नेक है तो नेक सेपरेट लेयर पे, और आपका लेफ्ट हैंड है तो वो सेपरेट लेयर पे, राइट हैंड सेपरेट लेयर पे, ठीक है ऐसी सारी चीजें सेपरेट सेपरेट लेयर पे आपको ड्रॉ करनी है। साथ ही साथ आपको जैसे मैंने हमारे जो ग्राफिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, ग्राफिक के एलिमेंट्स मैं बोलूंगा या ग्राफिक रिजल्ट्स हम बात कर सकते हैं या ग्राफिक में जो जो बना सकते हैं, जैसे हमारा हो गया विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ब्रोशर, कैटलॉग, ठीक है ये सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सारे फाइंड आउट करके लाने हैं, बैनर, पोस्टर, ठीक है साथ में इनकी डेफिनेशन पढ़ के आनी है। बनाना सिर्फ आपको एक है कैरेक्टर डिजाइन, ठीक है सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए ए टू जेड एलिमेंट्स, पढ़ के जो आना है वो ग्राफिक के से हम क्या क्या आउटपुट बना सकते हैं या ग्राफिक के अंदर हम क्या क्या चीज डेवलप करते हैं, बस वो चीजें पढ़ के आनी है और क्या होती है। जैसे अगर मैंने विजिटिंग कार्ड पता है मेरे को, मैंने विजिटिंग कार्ड के बारे में एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल है ये, तो विजिटिंग कार्ड क्या होता है सिर्फ ये पढ़ के आना, ठीक है। सो मैं आपको ये डिटेल्स जो है व्हाट्सएप कर रहा हूँ और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ओके थैंक यू।